कौन है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है? कोई नहीं। अब इतने दिनों से किसी की तरह बनने का कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा तो बन ही जाएंगे ना। और फिर अभी जी भी। अभी जी? ये तुम अभी को अभी जी कब से बोलने लगी? आज से। कहा है ना कि हम बहुत मुंहफट हैं, तो मुंह में जो आता है बोल देते हैं ना। कंट्रोल नहीं करेंगे तो तू तड़ाक पे उतर आएंगे ना, तो इसलिए सबको इज्जत, तुमको भी आप बोले ना पहले। हाँ, इज्जत देने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जी, जब वो रहेंगे तो भी अभी जी, नहीं रहेंगे तो भी अभी जी। तुम्हें नहीं लगता तुम जी जी करके अभी से जी लगाने लगी हो? लगाना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ही, नहीं तो उनको शंका हो जाएगा ना कि हम क्यों नहीं कर रहे, काहे नहीं कर रहे। ये जो तुम बोल रही हो ना वो बिल्कुल। क्या हो रहा है यहाँ पर? हैंग और हले, तुम आ गई। मैं तुम्हें कह रही थी ना कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं, गड़बड़ घोटाला चल रहा है। What's wrong with you, तनु? तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया? ये गड़बड़ घोटाला एंड ऑल। अब इस कमार के साथ रहेंगे तो वैसी लैंग्वेज बोलेंगे ना। तुम वो सारी चीजें छोड़ो और इससे पूछो कि इसने साड़ी क्यों पहन रखी है, इसने प्रज्ञा का लुक क्यों लिया है, से पूछो ये इसके डॉट वो टैटू कहाँ गए और इसके बाल इतने शॉर्ट कैसे हो गए, तुम पूछो इससे। क्या करूं भगवान, कैसे संभालूं इस बात को। और प्रज्ञा पता है, वो आयला और तनु हमको बार बार बोलती रही कि एकदम प्रज्ञा मतलब तुम्हारे जैसा बनना है, मतलब तुम्हारे जैसा बाल होना चाहिए, तुम्हारे जैसा भाषा होना चाहिए, तुम्हारे जैसा कपड़ा होना चाहिए। लेकिन हम कुछ नहीं किए, हम अपने असूल का पक्का है, हम अपने आप को थोड़ी भूल सकते हैं। हमको वैसे भी पता था हम कुछ कर ले, तुम्हारे जैसे तो बन नहीं सकते। हम कुछ नहीं किए। हमको ऐसे मत देखो, अपनी सहेली को समझाओ। तुम्हें हमको बोली थी ना कि एकदम प्रज्ञा जैसा बनना है, प्रज्ञा जैसा चलना है, प्रज्ञा का भाषा बोलना है, प्रज्ञा का कपड़ा पहनना है, उसके जैसा चाल ढाल बाल सब उसके जैसा होना चाहिए। तो हम कर रहे हैं, इतना अच्छे से कर रहे हैं। देखो प्रज्ञा जैसी चलती है, बोलती है, कपड़ा पहनती है, सब कर लिए। तुम लोग जो बोलोगी वही करेंगे ना, कर लिए तो तुम लोग कहे ऐसे। लोग अगर हमरा पास, हम ज्यादा कुछ तो बोलते नहीं है और करते वही है जो तनु और आलिया। इतना कंफ्यूज कर दी हो कि उसका नाम भी ठीक से नहीं ले रहे। ठीक से नहीं, तुम नाम ठीक से ही ले रही हो। अच्छा है ना, मतलब प्रज्ञा तो आयला को आलिया ही बोलती होगी है ना। आयला, गुड जॉब मुन्नी, आई एम इम्प्रेस्ड। आई मीन तुमने ना सिर्फ कपड़े बल्कि बोलने के तरीके में भी और हर चीज में अपने आप को प्रज्ञा जैसा बना लिया। इनफैक्ट मुझे खुद लगा कि तुम मुन्नी नहीं प्रज्ञा हो। लगा कि प्रज्ञा वापस आ गई। प्रज्ञा वापस आ गई। परिवार के लिए, तुम लोगों के लिए तो हम मुन्नी हैं। हमने सोचा कि तुम लोग इतने अच्छे हो, हमारे बच्चों को हॉस्टल में रखे हो, इतना तो तुम दोनों के लिए हम कर ही सकते हैं ना। और जितना जल्दी तुम लोगों का काम हो जाएगा उतना ही जल्दी हम हमारे बच्चों से भी मिल सकते हैं। नहीं, लेकिन तुम्हारी ये तनु समझती नहीं है। उसका बात सुनो तो प्रॉब्लम, नहीं सुनो तो प्रॉब्लम। इलाज कराओ इसका।
एक बात अपने छोटे से दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से डाल लो मुन्नी, कि तुम्हें इस घर में मैं लेकर आई हूं। तुम इस घर में सिर्फ वही करोगी जो मैं तुम्हें बताऊंगी, उसी रास्ते पर चलोगी जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। लेकिन अगर तुमने अपने दिमाग लगाकर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, कोई अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, कोई यू टर्न लिया या फिर कोई भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की कोशिश की, तो फिर मैं बुरे होने की रेखा पार कर जाऊंगी। लक्ष्मण रेखा पार करने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले मैं खेल खत्म कर दूंगी। खेल खत्म करने का ओवर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं होता है मुन्नी, क्योंकि खेल वही जीतता है जिसके पास पत्ते बड़े हो। हमसे बड़ा पत्ता किसके पास होगा? हमारे पास हुक्म का बादशाह है, तुम्हारा भाई। जिसके पास वो, उसी की बाजी। तुम्हें इस खेल में मैं लेकर आई हूं ना, तो इस खेल में कब, कैसे और क्या खेलना है ये भी तुम्हें मैं ही बताऊंगी। इसलिए अपने पत्तों को ना छुपा कर रखो, उसे इतनी जल्दी शो मत करो मुन्नी। लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि ये पत्ते दिखाने का वक्त आ गया है, जिस दिन मुझे लगेगा कि अब गेम का फाइनल मोड आ गया है, उस दिन ये पत्ते बाहर निकलेंगे। गेम होगी ओवर और इस हुक्म के बादशाह को भी तुम्हें छोड़ना होगा। छोड़ देंगे, लेकिन हुक्म का बादशाह हमको छोड़ेगा? तो वक्त बताएगा ना कि वो किस तरफ जाएगा, उस तरफ क्या इस तरफ। आते तुम कुछ भी कर लो आलिया, अब उनकी बीवी उनके साथ, अब तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी बनाई हुई गेम अब तुम्ही पे भारी पड़ने वाली। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? वो क्या है ना कि हम अभी के कमरे से होके आ रहे हैं, देखा कि अभी बड़ा खुश नजर आ रहा था। दीदी खुश? वो तो चहक रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं उसे दुनिया की कौन सी नेमत मिल गई है। दादी, प्रज्ञा ने भी शर्मा के ये बात कंफर्म कर दी है कि अभी किस बात के लिए खुश था, है ना? कंफर्म तो हो गई ये न्यूज़, अब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ सुनना बाकी है। हाँ, और ये भी कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाएगा कौन, अभी या प्रज्ञा? उन्होंने एक काम करने में इतनी देर लगा दी और न्यूज़ देने में पता नहीं कितनी देर लगा देंगे। एक काम करते दीदी, हम ही लोग चल के सबको बता देते। एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बताना है, कौन सी न्यूज़? अरे वही जो हम कब से चाहते हैं कि हो जाए भाई, वही जो कल मैंने अभी को बताया था कि बात आगे बढ़ाए। अब तू बता, बात आगे बढ़ी या फिर अभी तक इशारों ही इशारों पे काम चल रहा है? दादी आप भी ना, मैं। अरे अरे शर्मा ना छोड़ दे वरना और देर हो जाएगी। तुम जहां मैं वहां, कहां चली गई थी तुम? पता कब से आवाज लगा रहा हूं? वो हम हमारी तो बात कर रहा हूं मैं, हमारे फ्यूचर की, हमारी खुशियों की। जो एक ही तुम्हें ऐसे क्या देख रही हूं? जो बात हमसे जुड़ी है हम दोनों को ही तो पूरा करना होगा ना, साथ रह के। कुछ बोलोगी नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। देखो अगर तुम इसी तरह चुप रही ना तो उठाकर तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, उसके बाद कहना मत कि पूछा नहीं था। नहीं नहीं मतलब कभी नहीं या अभी नहीं? अभी नहीं,
ठीक है तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद जब मैं डिनर के लिए वापस लौट कर आऊंगा ना, मैं तुम्हें उठाकर सीधे ऊपर ले जाऊंगा, तैयार रहना। आने के बाद पूछूंगा नहीं, अगर तुम कुछ नहीं बोली तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझूंगा, ठीक है? आप पहले जाइए तो सही, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाता नहीं, जाके आता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं जाता हूँ, उसके बाद आता हूँ। बाय बाय। जाइए तो सही। ठीक है, तैयार है ना? तो देख लिया ना तुमने, सुन लिया ना सब कुछ, उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस, सब अलग था, पहले जैसा नहीं है। उसके ना पर निकल आए, तुमसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी तुमसे। प्रज्ञा का रूप नहीं, प्रज्ञा का भूत सवार है उस पे। चलो चुप रहो, फालतू में मुझे डिस्टर्ब मत करो, जस्ट लीव मी अलोन, गो। अरे तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? मैं चली भी जाऊंगी लेकिन बाद में तुम पछताओगी, देखना। ये मुन्नी आखिर कहना क्या चाहती थी, मेरी धमकी को रिपीट कर रही थी या मुझे ही धमकी दे रही थी? क्या मतलब उसका कि हुक्म का बादशाह उसे छोड़ेगा या नहीं? आज उसकी आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, उसकी आंखों में जीतने का वही जुनून दिखा जो मुझे कभी प्रज्ञा की आंखों में दिखा करता था। प्रज्ञा का नाटक करते करते वो खुद को प्रज्ञा तो नहीं समझने लगी, कल को उसी की तरह सोचने भी लगी तो नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। इससे पहले कि मुन्नी पे प्रज्ञा की ओवरडोज हो जाए, मुझे ये खेल जल्दी खत्म करना होगा। बताओ मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे अपने कंट्रोल में रखो। तनू, कहा ना मैंने तुम्हें, फालतू की बकवास बंद करो एंड जस्ट गो फ्रॉम हियर। अरे तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही है? बाद में देखना, जब हमारी बिल्ली हमें म्याऊं करेगी ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। बहुत हो गया तनू, मान गई, सच्ची में बोल रही हूँ, जस्ट लीव फ्रॉम हियर, चली जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, पर कुछ तो है जिस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। आने के बाद पूछूंगा नहीं, अगर तुम कुछ नहीं बोली तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझूंगा। घर वापस आके मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई, जो आपसे शुरू होके आप ही पे खत्म होती, और आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश एक ही, आप हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते, परिवार बढ़ाना चाहते, लेकिन अभी उससे ज्यादा जरूरी है आपकी सेफ्टी। आलिया तनु से तो मैं निपट लूंगी, पर उससे पहले ये पता लगाना होगा कि आप पे ये अटैक किसने करवाया, कौन है जो आपको मारना चाहता है। भगवान, आपने हमेशा हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, आज भी मैं अपने घर हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। ये मुझसे अलग हो गए थे पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे वापस इनसे मिला दिया। आलिया और तनु से तो मैं इन्हें बचा लूंगी क्योंकि वो दोनों मेरे सामने हैं, पर उसका क्या करूं जो मेरे सामने नहीं है, जिसने इन्हें मारने की कोशिश की। मुझे उस खतरे, उस साए से इन्हें दूर रखना होगा, जैसे अब तक आपने मेरी मदद की है, आगे भी मदद करते रहना। आप मेरे साथ रहना, मैं इनके साथ रहूंगी। यार ये मीटिंग नहीं होती ना तो मैं अभी प्रज्ञा के साथ ही होता।
आज तो मन ही नहीं कर रहा उसे उससे दूर जाने का। अब घर जाते ही प्रज्ञा से जवाब मांगूंगा अपने सवाल का। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। आई नीड हर रिप्लाई। भाई साहब देखकर नहीं चला सकते क्या? सॉरी भाई साहब, लेकिन आप देखिए ये बहुत सारी कीलें पड़ी हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये इतने सारे कील आए कहाँ से? किसी ने जानबूझ के तो नहीं फेंके जिससे कि कोई कार पंचर हो जाए? पर कौन होगा यहाँ इस जंगल में? ये कौन हो सकता है? भाई साहब एक बात पूछूं क्या? मैं पूछ रहा। आप अभी द रॉक स्टार हो ना? नजरें काफी तेज है तुम्हारी, तुम्हें कहीं पर छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं कार मंगा लूंगा। एक सेलिब्रिटी होके आपने मेरी हेल्प की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंदु जी, रवि के घर में कितनी अच्छी पूजा हुई है, लेकिन मैं एक बात से हैरान हूँ कि रवि और विशु के छोटे से घर में ना इतने सारे लोग इतने प्यार से रहते हैं ना। जगह दिल में होनी चाहिए, घर में तो जगह अपने आप ही बन जाती है। हम भी तो कुछ साल पहले चौल में रहते थे और इतने ही खुश रहते थे। हाँ दीदी, इतने सालों बाद तो ना मैं सब कुछ भूल गई, भगवान ने हमें इतना जो दे दिया। हाँ इंदु, जैसे भगवान ने हमें इतना बड़ा घर दिया है ना, वैसे मैं दुआ करती हूँ कि रवि के परिवार को भी एक बहुत बड़ा घर मिल जाए और वो सब कुछ मिले जो उसका दिल ढूंढता है। हाँ दीदी, उसे भी सब कुछ मिलना चाहिए। कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ छुपा दिए तुमको आइला और तनु? कैसे पता करें तुम दोनों का ठिकाना? एक ही काम अच्छा हो गया, उपिरग्या अपने पति से मिल गई। जो एक बोझ था हमरा अभिषेक को लेकर कि उसको धोखा दे रहे हैं ससुरा, वो बोझ तो उतर गया। जो डर था कि पता नहीं डायन हमारे बच्चों का साथ करेगी का, वो डर तो खत्म नहीं हुआ। अब हम आराम से अपना बच्चा दोनों को ढूंढ सकेंगे और पिरग्या आराम से अपने पति के। अरे हम पिरग्या को तो पूछे ही नहीं कि घर में सब कैसा चल रहा है। पता नहीं मुन्नी को उसके बच्चों के बारे में कुछ पता चला है या नहीं, कितनी परेशान थी वो। अरे उसका ही फोन आ गया। हेलो, हाँ मुन्नी कैसी हो? अरे हाल खबर तुमरा पूछने के लिए फोन किए हैं, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। छुटका छुटकी का कुछ पता चला? का बताएं, कुछ पता तो चला है नहीं, लेकिन चिंता नहीं करो। देखो का है कि हमारी बहन के बच्चे हैं, खून तो हमारा ही है ना। तो
ढूंढ के ढूंढ निकालेंगे। क्या बोलते हूँ, जहाँ रा वहाँ चा, जहाँ चा वहाँ रा हुनी। मतलब समझी कि नहीं समझी? समझ गए। तो बस मतलब समझ गए तो हमारा काम हो गया। अरे तुम बताओ, तुम मिली सबसे, कोनो गड़बड़ तो नहीं हुई ना? मैं सबसे मिली, कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब ठीक है। थैंक्स टू यू, तुमने सब कुछ एकदम ठीक से सिखा के भेजा था ना। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, टीचर हो तुम और हम ही तुमको सिखा दिए। मैं क्या बोलू, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दिनों बाद मैं घर लौटी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी मुन्नी की, शायद मुझे तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जब मैं पहली बार शादी करके इस घर में आई थी। जितनी आज हुई है, दादी, इंदु दादी, राज भैया, मिताली भाभी, बबली, सबसे मिलके बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे क्या कहूँ। बस मैंने इतना किया कि मैं रोई नहीं। अरे नहीं नहीं, रोना नहीं। रोई ना तो पकड़ी जाओगी, किसी को शक हो जाएगा, इसीलिए तो नहीं रोई ना। और अभिषेक, अभिषेक से मिलके कैसा लगा? हेलो, हेलो, तुम हो ना? नहीं नहीं, मैं हूँ यहाँ। वो उनसे मिलकर वाकई ऐसा लगा दोबारा जिंदगी मिल गई। आज तक सिर्फ सांस ले रही थी, जिंदा तो मैं आज से हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। तुम अपने परिवार से अभिषेक से मिल ली, अब उनके साथ रहो और सबका ख्याल रखो। सबको तो तुमने संभाला था मुन्नी, मैं नहीं भी थी तो तुमने सबका ख्याल रखा। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बावजूद तुम डरी नहीं, तुमने सबका साथ दिया। सिर्फ तुम ही हो इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। कोई और होता तो तुमने जो मेरे लिए किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। किससे बात कर रही हो? हम बाद में फोन करते। नहीं नहीं, अभी बात कर लो, बाद में क्यों? नहीं, हम बाद में फोन कर लेंगे, तुम बोलो। तुम बोलो, फोन पे कौन था? किसे कह रही थी कि तुमने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती? बताओ किसने क्या किया? माँ, माँ, माँ का फोन था। किसकी माँ? प्रज्ञा की माँ। प्रज्ञा की माँ? यू मीन सरला आंटी? तो मेरे सामने तो नाम ले सकती हो ना तुम, ये माँ माँ क्या लगा रखा है? तुम जानती हो ना, सवाल ज्यादा करती है तो हम उलझ गए। तो मुझे देख के इतना घबरा क्यों गई, इतना हकला क्यों रही हो तुम? तुम शंका बहुत करती हो, तुमको आदत बदलना पड़ेगा। तुम ऐसे करोगी तो हमको ये सब काम नहीं करना है। हम तुमको बोल रहे हैं ना, माँ का फोन था तो माँ का ही फोन था। तुम भरोसा काहे नहीं कर रही हो? हम आयला को बता दे। अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, क्या कि वो बहुत चालाक है, तुमसे बातें भी निकलवा सकती है और हो सकता है उन्हें पता चल जाए कि तुम प्रज्ञा नहीं मुन्नी हो। ध्यान रखेंगे। प्रज्ञा, लैंडलाइन पर सरला जी का फोन आया, जा तेरे से बात करना चाहते हैं। हम आते हैं दादी, आप चलिए। हाँ ठीक है, आ जा बेटा। तुमको फिर शंका हो रहा है? हम बोले ना माँ का फोन था, देखो हम फोन काट दिए बिना बात पूरा किया, तो उनको लगा होगा फोन खराब हो गया तो घर पे फोन किए। जिसे हम अभी से झूठ बोलने के लिए लाए थे वो कहीं हमसे ही तो झूठ नहीं बोल रही? हे राम जी, ये आप बहुत अच्छा किए जो प्रज्ञा को उसके पति से मिला दिए। दोनों साथ रहेंगे, खुश रहेंगे और हमारे दिमाग में जो हुल जुलूल बात आ रहा था वो भी रुक जाएगा। सीता और गीता में वो सीता है तो जोड़ी तो राम और सीता का ही बनेगा ना। अब राम और सीता मिल गए तो अयोध्या में उतार सितार का जो है और रूपमती सुर्पनखा कब तक टिकेंगी?
मैंने आपसे सुबह भी कहा था लेकिन आपने अनसुना कर दिया। क्या कहा था? यही कि बंटी को एग्जाम में बहुत कम नंबर है, तो आप उससे बात कीजिए ना। बंटी गलत बात है ना, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो और मम्मी की बात सुना करो, समझे? आप भी कमाल करते हो। बंटी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बबली है वो। आप देख रहे हैं पापा जी इनको, इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है बच्चों के ऊपर। आप प्लीज डांटिए इन्हें। तो तेरा खुद तो ध्यान है नहीं बच्चों पे, तो फिर बच्चों ने पढ़ाई पे क्या ध्यान देना है? पहले तू तो बड़ा हो जा। पापा आप बड़े होने देते नहीं हो, बच्चों के सामने डांटते रहते। ओए मैं दादा बन गया भाई है? और मैंने तो कभी नहीं कहा, बीजी तो मुझे जब देखो डांट देते हैं। मैंने कभी कहा है कि मुझे कब बड़ा होने दोगे? अरे क्या हुआ, किस बात पर इतनी हंसी चल रही है? ओए पुत्र तू आ गया? अरे अभी तो मेरी खबर आई है, मैं अभी कुछ ही देर में आऊंगा। अब चुप कर, हाथ मुंह धो ले। प्रज्ञा ने अपने हाथों से तेरे लिए स्पेशल खाना तैयार किया। क्या बोल रही हो, प्रज्ञा ने अपने हाथों से खाना बनाया? हाँ। कमाल हो गया प्रज्ञा। एक तुम एक काम करो ना, मेरे साथ चलो, जरा हाथ मुंह धो के आते। आप खुद धो लीजिए, मैं काम कर रही हूँ। चलो ना। बहादुर आप जाके रोटी बना लीजिए, मैं आती हूँ, ठीक है? वो आप सोना है ना, मतलब कोना है ना, धोना है, हाथ गंदे हो गए थे तो वही धोना था ना। होगा ना तुम्हारे पास सैनिटाइजर? हाँ चलो ना, हाथ देखो कितने गंदे हो गए। हाँ चलो। क्या 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 कर रहे हैं आप? अब जाने नहीं दूंगा। अरे पूरा दिन इसी वक्त का इंतजार कर रहा था मैं। कर रहे थे आप ऐसे सब बैठे हुए थे और आप हाथ पकड़? हाँ तो सोफे पर लोग बैठेंगे ना, खड़े थोड़ी ना होंगे। आप बातें मत बनाइए, दादी सब समझती हैं, वो हंस रही थी। जब से मैं हूँ तब से दादी हंसी जा रही है, अब मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ के नहीं लाऊंगा तो किसका, पड़ोसी का हाथ पकड़ूंगा? अच्छा ठीक है, काम है मुझे, मैं जाती। था मत का सुबह से तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक से जवाब तक नहीं दे रही। आप बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या? कौन सा सवाल? वही जो तुमसे भक्त हूँ मैं, पूछा था मैंने वो। सब खाने पे इंतजार कर रहे ना, मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ। बताऊंगी ना, पहले उन्हें खाना दे देती हूँ फिर आपको जवाब दे दूंगी। नहीं मुझे मेरा जवाब अभी चाहिए। रॉबिन रॉबिन आ जाएगा अभी। आने दो दादी, आ जाएगा। आने दो अब, लेकिन 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 कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। क्या चाहिए? कुछ रकमा पासाइना, एक तारी तारी गोलियां दे देना। अरे कुछ रकमा पासाइना, एक तारी तारी गोलियां दे देना। चाचू हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? इधर इधर स्ट्रेंजर। बबली की बच्ची सब गड़बड़ कर दिया। मैंने क्या किया? आप ही कह रहे थे वो कूची कूची। अच्छा सुन, तुझे खेलने के लिए छोटी बहन चाहिए क्या? हाँ पर कहाँ है? चाहिए ना। हाँ। तो एक काम कर, अपनी चाची के पास जा और अपनी चाची से पूछ कि चाची चाची मुझे छोटी कजन सिस्टर कब दोगी। ओके। क्या पूछोगी? चाची चाची मुझे अपनी छोटी कजन सिस्टर कब दोगे? और साथ मत छोड़ना, बस पीछे लगे रहना। ओके ओके। हाँ कजन सिस्टर लेकर आना। जा। ओके बाय। कुची कुची। अब निकल दो कुची कुची। प्रज्ञा हाथ धुलवा दिए जी, अब नैपकिन लेकर हाथ पोछने के लिए भी जाना है क्या? अरे राज भैया बताओ जी।
जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना बेटा। आप मुझे एक कजिन सिस्टर कब दोगे? ओए होए प्रज्ञा अब तो बच्चे भी सिफारिश करने लगे। प्रज्ञा देखो भाई डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो सप्लाई की डेट भी तो तुम्हें बतानी पड़ेगी ना। दे दो ना। अभी बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप मुझे अभी बताओ। अभी बच्चों को मना नहीं करते। मैं बाद में बताती हूँ आपको। आप जाओ खेलो। मैं ये प्लेट। अबे क्या हुआ दासी आप इतनी टेंशन में क्यों है? क्या हुआ दासी आप बैठिए पहले। ये लीजिए दादी आप पानी पीजिए। पानी लीजिए। ये दासी इतना चिल्ला क्यों रही है? तनु मैं भी अभी तुम्हारे साथ ही आई हूँ मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे कैसे सवाल पूछते हो यार तुम। और फिर ये लोग जो आप कौन बात कर रहे हैं? टेंशन वाली बात है कुछ है ना सही नहीं हो रहा है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं बहुत गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? ये दादी कौन सी गड़बड़ की बात कर रही है? कहीं इन्होंने मुन्नी को तो नहीं देख लिया?